हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स। जैसा कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट वन में बताया था कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि सभी के सभी फॉर्मूले, जो 35-40 फॉर्मूले हैं जिनको याद करने में आपको दिक्कत होती होगी, ठीक है, कैसे उनको हम चार फॉर्मूले से केवल डराइव कर सकते हैं। चार फॉर्मूले हमें केवल याद रखने हैं, सभी के सभी फॉर्मूले उन्हीं से बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। चार फॉर्मूले कौन से हैं? साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कोस ए प्लस बी का और कोस ए माइनस बी का, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में केवल इस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। और कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी में बस ये माइनस का प्लस हो जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। मैं इनको इक्वेशन का नंबर दे देता हूं 1, 2, 3, 4। अब देखिए, अगर मैं 1 और 2 को प्लस कर दूं, ठीक है, 1 और 2 को मैं प्लस कर रहा हूं, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी कट जाएगा, प्लस माइनस के हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 साइन ए कोस बी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए कोस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, ठीक है, कोस ए प्लस बी को और कोस ए माइनस बी को, 3 और 4 को मैं जोड़ देता हूं, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो इससे ये कट जाएगा, माइनस के साइन ए साइन बी से प्लस का साइन ए साइन बी, हमारे पास क्या बचेगा? 2 कोस ए कोस बी, ठीक है। तो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगर मैं 1 और 2 को घटा दूं, ठीक है, 1 और 2 को मैंने यहां पर जोड़ा था, अगर मैं 1 में से 2 को घटा दूं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, तो इस वाली पार्ट 1 में से हम 2 को घटा रहे हैं, तो ये जो यहां पे माइनस हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा और इस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 कोस ए साइन बी। तो 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को चाहे आप याद भी ना करें, बस इन दोनों को साइन ए और कोस बी को इनको इंटरचेंज करना है, उसी के हिसाब से फिर हमें यहाँ पे वैल्यू इंटरचेंज करनी पड़ेगी। अगर बी को इधर ले आते हैं, ए को इधर ले जाते हैं, तो ए और बी को भी हमें यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा, प्लस में तो कोई ज़रूरत नहीं है, और लेकिन माइनस में बी को इधर लाना पड़ेगा, ए को इधर लाना पड़ेगा, या फिर हम डायरेक्ट ही 2 कोस ए साइन बी को हम याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं अब 3 में से 4 को घटा दूं, क्योंकि 3 और 4 को मैंने यहाँ पे जोड़ा था, अब एक बार घटा के देख लेते हैं तो क्या बनता है? कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए, इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इससे ये तो कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी। इस माइनस के साइन को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये माइनस का साइन इधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, माइनस इधर जाते ही, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अब एक काम और मैं करता हूं इसके अंदर, अगर मैं ए प्लस बी को सी रख दूं,
और ए माइनस बी को मैं रख दूं डी, और इन दोनों इक्वेशंस को मैं सोल्व करता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूं तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी आ जाएगा, b से b कट जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, c प्लस डी बाई टू, और ऐसे b की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, c माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू मैं इन चारों इक्वेशन में रख देता हूं, एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं। तो a प्लस बी की जगह c रखता हूं तो साइन c प्लस साइन डी, ए माइनस बी की जगह डी रख दिया, अब ए की जगह रखेंगे सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह रखेंगे सी माइनस डी बाई टू, तो टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले इन चारों फॉर्मूले जो चार फॉर्मूले हम बनाएंगे, साइन सी प्लस डी का, साइन सी माइनस डी का, कोस सी प्लस डी का, कोस सी माइनस डी का, इन चारों फॉर्मूले के ऊपर अभी मेंस टायर टू में यानी कि सीजीएल के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन इन फॉर्मूलों को काफ़ी ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही अब मैं इस दूसरी वाली इक्वेशन में अगर रख दूं, ठीक है, तो कोस सी प्लस कोस डी, ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन में रख रहा हूं मैं इसमें कोस ए प्लस बी, ये जो ये वाली इक्वेशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू कोस ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे अब मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूं सभी के सभी वैल्यू, तो आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ऐसे ही मैं इस वाली इक्वेशन में रख देता हूं, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, डी, तो कोस डी माइनस कोस सी इज इक्वल टू टू साइन ए साइन बी, यानी कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सभी जगह सी प्लस डी का उस सी माइनस डी का हो गया सी प्लस डी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है कि डी माइनस सी है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो प्लस कर लिया हमने, सभी को माइनस कर लिया, एक बार डिवाइड और करके देख लेते हैं कि डिवाइड करके भी कोई फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए डिवाइड करते हैं, बताइए पहले किसको डिवाइड करें, वन को थ्री से कर लेते हैं, ठीक है, साइन ए प्लस बी को कोस ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टेन ए प्लस बी, यानी कि अब हम निकालने वाले हैं टेन ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, दोनों की वैल्यू हमने रख ली। अगर मैं ऊपर नीचे से कोस ए और कोस बी को कॉमन कर दूं, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को कोस ए कोस बी से डिवाइड किया और नीचे वाली इक्वेशन को भी कोस ए कोस बी से डिवाइड किया, जब मैं इसको कोस ए कोस बी से डिवाइड करूंगा तो कोस बी से कोस बी कट जाएगा, तो साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू टेन ए, फिर इसको कोस ए साइन कोस ए कोस बी से डिवाइड करूंगा तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, साइन बी अपॉन कोस बी यानी कि टेन बी, कोस ए कोस बी से इसको डिवाइड करता हूं तो वन माइनस साइन ए साइन बी को कोस ए कोस बी से डिवाइड करूंगा तो टेन ए टेन बी, तो फॉर्मूला हमें मिल गया टेन ए प्लस बी का। अगर निकालना हो टेन ए माइनस बी का तो टेन ए माइनस बी के लिए क्या काम करें, साइन ए माइनस बी को कोस ए माइनस बी से डिवाइड कर दे, और वही काम करेंगे फिर कोस ए कोस बी को कॉमन लेंगे ऊपर नीचे से और हमारे पास फॉर्मूला आएगा, बस ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइन ए माइनस बी में यहाँ पे ऊपर माइनस है और कोस ए माइनस बी में नीचे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब हमें दोनों फॉर्मूले मिल गए टेन ए प्लस बी का भी और टेन ए माइनस बी का।
अगर हमें से पूछा जाए कि कोट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1 माइनस टेन ए टेन बी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, कोट ए माइनस बी का फार्मूला पूछा जाए तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1 प्लस टेन ए टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है, अब देखिए कुछ और नए फॉर्मूले निकालते हैं। अगर मैं b की जगह a रख दूं, ठीक है, तो साइन 2a हो गया, यानी कि अब हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं साइन 2a का। ठीक है, तो b की जगह मैं a रख रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा साइन ए कोस ए, प्लस फिर b की जगह a रखा तो कोस ए साइन b, कोस ए साइन ए, तो क्या फॉर्मूला मिला हमें, 2 साइन ए कोसे। ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला और निकालते हैं, कोस 2a का निकालते हैं। तो कोस 2a का फॉर्मूला निकालने के लिए b की जगह अगर a रख दूं, कोस 2a यानी कोस इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, b की जगह ये रख देंगे, तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, कोस 2a का। अब एक चीज और देखिए, एक चीज होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहां से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये भी कोस 2a का फॉर्मूला होता है। या फिर मैं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू रख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसके अंदर, तो हमें मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों फॉर्मूले हमारे कोस 2a के मिल गए। एक फॉर्मूला और पूछ लिया जाता है साइन 2a का और कोस 2a का टेन की फॉर्म में। अब यानी कि इन फॉर्मूलों को हम एक बार टेन में कन्वर्ट करके देखते हैं कि टेन की फॉर्म में इनके फॉर्मूले क्या होंगे। टेन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, साइन ए अपॉन कोस ए। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस इक्वेशन को कोस ए से डिवाइड कर देता हूँ और कोस ए से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 साइन ए कोस ए से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब कोस ए से डिवाइड कर दिया तो गुणा भी करनी पड़ेगी ताकि इक्वेशन न्यूट्रल रहे, नहीं तो इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये बोर्ड अभी डिसबैलेंस हो रहा है। तो अब देखिए साइन ए अपॉन कोस ए 2 टेन ए। अब ये जो कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए जो है ये नीचे जाके सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो नीचे जाके सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, जैसे कि आपने ये याद किया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये भी 1 होता है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं और जो हम आगे की जो ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी सोल्व करेंगे, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ये तीन ही फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, एक तो ये वाला और एक होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बस सेक का उल्टा, सेक के साथ कोसेक को लगा दीजिए, टेन की जगह कोट लगा दीजिए। ठीक है, याद रखना काफ़ी आसान है। और जब इतनी बार हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ये तो आपके एक तरीके से सपने में भी आएंगे, याद करना तो दूर की बात है। ठीक है, तो sec स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से हमें क्या दिखाई देती है, sec स्क्वायर ए की वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे रख दूँ, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो साइन 2a का हमें एक फॉर्मूला और मिल गया टेन की फॉर्म में, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं टेन में। तो देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आया था, अगर मैं इसमें से कोस स्क्वायर ए को कॉमन ले दूं, कोस स्क्वायर ए को मैंने कॉमन ले दिया, तो अंदर बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा और इसके अपॉन में कोस स्क्वायर ए जाएगा तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा।
ऐसे ही इस कोस स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे, जैसे हम ऊपर ले गए थे सेक स्क्वायर बन जाएगा, फिर सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए साइन 2a का भी पता लग गया और कोस 2a का भी पता लग गया, और कोस 2a के तो हमें चार फॉर्मूले पता लग गए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए इन चारों फॉर्मूले में से हम कितने सारे फॉर्मूले निकालते जा रहे हैं, काफ़ी कमाल के फॉर्मूले हैं ये। अब हमें टेन 2a की वैल्यू और निकालनी है, टेन 2a के लिए मैं साइन 2a अपॉन कोस 2a लिख सकता हूँ। साइन 2a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी टेन की फॉर्म में, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में कोस 2a की वैल्यू क्या निकाली थी, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता सा नहीं लग रहा किससे, साइन 2a से। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला आया था 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बस इसमें माइनस हो गया तो इसको याद रखना भी आसान है। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। साइन 2a निकाल लिया, कोस 2a निकाल लिया, टेन 2a निकाल लिया, क्यों ना हम साइन 3a भी निकाल लें। ठीक है, और कोस 3a भी निकाल लें, और उसके साथ साथ टेन 3a भी निकाल लें। तो अगर हमें साइन 3a निकालना है तो b की जगह अगर मैं 2a रख दूं तो साइन 3a का फॉर्मूला निकल जाएगा, तो रख देते हैं साइन 3a। ठीक है, अब रखते हैं साइन a कोस 2a, b की जगह 2a रखा है ना हमने, प्लस कोस a साइन 2a। ठीक है, कोस 2a का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, याद है ना। और अगर आपको ये चीज़ें सारी अच्छे से याद करनी है, ऐसी टिप्स पे याद रखनी है, ये सारे के सारे डेरिवेशन जो मैं करा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में एक बार अपनी कॉपी पे करके देखिए, एक बार नहीं दूसरी बार में, एक घंटे के अंदर आप ये सभी के सभी डेरिवेशन 3 बार कर सकते हैं। और अगर 3 बार आपने ये सभी के सभी डेरिवेशन इसी सीक्वेंस में कर लिया ना, तो ये फॉर्मूले आपको अगले जन्म तक भी याद रहेंगे। ठीक है, अब साइन 2a की वैल्यू याद रख लेते हैं, कोस ए साइन 2a का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, 2 साइन इन टू कोस ए ठीक है, अब गुना और लगा देते हैं, चलो साइन ए इन टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए कोस स्क्वायर ए, 2 साइन ए कोस स्क्वायर ए और एक ये साइन ए कोस स्क्वायर है तो इसको इधर जाके जोड़ दे, इसको मैं हटा दूं यहाँ से और इसको 3 कर दूं। ठीक है, अब भी फॉर्मूला थोड़ा बात सी बन नहीं रही है, तो क्यों ना कोस स्क्वायर ए को भी मैं हटा दूं, क्यों ना इस फॉर्मूले को मैं सारा साइन के साइन में ही रखूं। तो कोस स्क्वायर ए को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो फिर मैं इसी इक्वेशन पे आता हूं, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो रख दूं माइनस का साइन क्यूब ए प्लस 3 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस 3 साइन ए की गुना 1 में होगी तो 3 साइन ए माइनस का 3 साइन क्यूब ए, ठीक है, इस साइन ए की साइन स्क्वायर से होगी, साइन क्यूब ए हो जाएगा और 3 पहले है और एक साथ में हमारे पास साइन क्यूब ए रहा तो 4 साइन क्यूब ए हो जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है साइन 3a का, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ऐसे ही कोस 3a का तैयार करते हैं, चलो ज़्यादा मेहनत नहीं करते। आप ऐसे अगर डेरिवेशन करना चाहते हो तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं, वही आपको यहाँ पे काम करना होगा कि b की जगह
टू ए रखना होगा, और फिर जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया ना, ऐसे ही आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको तो इधर रख दो, लेकिन साइन का कर दो कोस, क्योंकि कोस थ्री ए का निकाल रहे हैं, तो कोस क्यूब ए, और इसको लिख दो उधर थ्री कोस ए, तो ये कोस थ्री ए का फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर हमें निकालना है टेन थ्री ए का फॉर्मूला, ठीक है, टेन थ्री ए का फॉर्मूला निकालना है। अब देखिए टेन थ्री ए के लिए मैं क्या काम करूं, साइन थ्री ए अपॉन कोस थ्री ए कर दूं, ठीक है। आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं, सीधा गुणा भाग ही करनी है उनमें से कॉमन वगैरह लेके। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। अब यह फॉर्मूला आपको याद रखे या ना रखे, क्योंकि अगर आपको साइन थ्री ए और कोस थ्री ए के फॉर्मूले याद है, एक बार आप साइन थ्री ए में रख के देख लीजिए, उस थीटा की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर कोस वाले में रख लीजिए और उनको डिवाइड कर दीजिए, आपके टेन थ्री ए की निकली जाएगी, क्योंकि काफ़ी टिपिकल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे भी ये तो मैंने आपको फॉर्मूले इसलिए बता दिए क्योंकि फॉर्मूले बेस भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इवन फॉर्मूले ही पूछ ले जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, उनमें इन फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। जहाँ भी पड़ी, ऐसे भी क्वेश्चन है आज बिल्कुल पड़ेगी, और अब की बार मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इन फॉर्मूले के बिना नहीं हो रहे थे, वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और एसएससी ने जो ये पैटर्न चेंज कर दिया है क्वेश्चन पेपर्स का, थोड़े बोलते हैं कि कैट लेवल के क्वेश्चन लेके आ रही है, उस चीज़ को भी समझेंगे कि क्या चीज़ है। आपके बस कंसेप्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, क्वेश्चन चाहे कैट से आए, एसएससी यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप क्वेश्चन को कर ही दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और अपनी ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। या तो मैं कल इसका अगर कुछ जो कॉन्सेप्ट्स बच गए हैं वो आपको कराऊंगा, या फिर हम सीधे के सीधे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करेंगे 7-8 लेक्चर में। अब देखिए हमारा जो टारगेट है, आपको जून तक कोर्स को आपका सारा मैथ करा देना है, ठीक है। उसके लिए हम भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप भी दिन रात मेहनत करिए। और साथ के साथ अगर जो बच्चे सीपीओ वाले हैं, सीपीओ वाले बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि भाई हमारे सिलेबस टाइम से हो जाना चाहिए, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ कि जो हम साथ के साथ जीके के जो लेक्चर डाल रहे हैं, आज हमने लेक्चर डाला इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का डाला, एक फंडामेंटल राइट का डाला, उससे पहले इमरजेंसी का डाल चुके हैं, प्रीएम्बल का डाल चुके हैं, शेड्यूल्स का डाल चुके हैं। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। रोज़ आपको आधा आधा घंटा देना है, आप ये एक लेक्चर आपके 100-100 एमसीक्यू तैयार कराता है, ठीक है। और मैं ये नहीं है कि कोई पूरी पॉलिटी उठा के आपके लिए डाल रहा हूँ, पॉलिटी के वे टॉपिक चुने जा रहे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जाते हैं, ठीक है। फालतू चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हमें भी पता है कि आपके पास भी टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है। 4 जून से एग्ज़ाम शुरू है, ठीक है, तो 4 जून तक आप बेफिक्र हो जाइए, आपका सारा काम बिल्कुल फिट करा दिया जाएगा, और आप 160 प्लस या फिर 1 जितनी आप चाहो, जितनी आप मेहनत करोगे, ठीक है, उसी हिसाब से आपके नंबर भी आएंगे। हम तो आपकी तैयारी करा देंगे 160 प्लस की, ठीक है, उसके ऊपर आपकी मेहनत है। ये जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कितने क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मैं आपको 500 के 500 क्वेश्चन कराऊँ, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो तो करा सकता हूँ, और उन टाइप के ऊपर अलग और भी कुछ निकल के आता है वो भी करा सकता हूँ। यानी कि अपनी तरफ से हम अपना पूरा काम करके चलेंगे, आप भी मेहनत कीजिए और आप डेफिनेटली आप अच्छे नंबर ला के जॉब ले लेंगे इस बार एसएससी में, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।